बचाव ही उसका सबसे बड़ा इलाज होता है। और जब बचाव की बात आती है तो इसमें हमारा साथ जो देता है वो होता है हमारा इम्यून सिस्टम, यानी कि हमारी इम्यूनिटी। तो अब जब बातें हो रही हैं कि किस तरह हर देश अपने नागरिक की इम्यूनिटी को बढ़ाने पर ध्यान दे ताकि इस रोग से बचाव हो सके, आज हम अपने कार्यक्रम में इस बात पर चर्चा करेंगे अपने विशेषज्ञ के साथ। तो सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं, हमारे आज जो मेहमान हैं हमारे साथ हैं आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर नवीन जोशी। नमस्कार सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं स्वस्थ व्रत विभाग उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी देहरादून में। सर, कार्यक्रम की जो शुरुआत है हम इसी चीज से करते हैं कि जब बात आज सब जगह बचाव की हो रही है तो सबसे पहले आयुर्वेद एक ऐसी दिनचर्या के बारे में बात करता है जिससे कि रोगी की या जो हमारे सामान्य हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो अपने आप कैसे एक नॉर्मल बढ़ी रहे, तो इस पर आयुर्वेद क्या कहता है सर? जी, आयुर्वेद जो है वो आयु का विज्ञान है और आयुर्वेद बेसिकली हमारे शरीर को पूरा क्षेत्र मानता है, पूरा एक सिस्टम मानता है और वो मानता है कि बहुत सारी बीमारियां विभिन्न बीज के रूप में हमारे शरीर में आके लगातार इन्फेक्टेड करती हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो अमीबा हो। तो हमें अपने क्षेत्र को मजबूत करने की ज़रूरत है। ये आयुर्वेद 5000 साल पुराने इतिहास में ही इस बात को बताया गया, आयुर्वेद की संहिताओं में ये बात पहले से ही मेंशन थी। तो हमने जो है हमें अपने शरीर के क्षेत्र को मजबूत करना है। बीज तो आते रहेंगे, वो कभी कोरोना के नाम से आएंगे, कभी ईबोला के नाम से आएंगे, कभी सार्स के नाम से आएंगे। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने पर आयुर्वेद हजारों साल से फोकस करता रहा है। हमारे ऋषि मुनि आचार्य महर्षि इन लोगों ने विशेष रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता पर ही अपना जोर दिया था और आज भी पूरी दुनिया यदि इस नए संक्रमण से जूझ रही है तो उनके पास भी एक ही जवाब इसका बचता है, वो है रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे इम्यूनिटी कहते हैं, उसको बढ़ाना। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें, जैसा कि आपने कहा कि दिनचर्या, जो हमारी दैनिक दिनचर्या है उसको नियमित करना। दिनचर्या ही नहीं, हमें अपने पारिस्थितिक तंत्र, हमारे पर्यावरण के साथ, हमें अपने आप को उसके साथ मिलकर के रहना, यह बात आयुर्वेद बताता है। और मैं आपको बताऊं कि आयुर्वेद में 5000 साल पहले ही इस प्रकार के संक्रामक रोगों की बात की गई थी और यह भी कहा गया था कि आयुर्वेद में विभिन्न प्रकार की व्याधि हर समय, रोग अलग अलग नामों से आएंगे, कभी वो किसी और नाम से आएंगे, आने वाले 10 साल के बाद इसी बीमारी का नाम कुछ और होगा, आपको उससे चिंता और घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने सिद्धांतों पर, अपनी दिनचर्या पर, अपनी ऋतुचर्या पर, अपने दैनिक आहार विहार पर यदि आप ध्यान देते हैं तो इस प्रकार के संक्रमणों से आप बच पाते हैं, यही आयुर्वेद बताता है। जी, तो सर एक आइडेंटिकल दिनचर्या क्या होनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो दुरुस्त रहे और एक लगातार आपकी इम्यूनिटी में इजाफा होता रहे, तो इसके लिए एक कैसी दिनचर्या अभी इस हमारे संक्रमण काल को देखते हुए लोगों को फॉलो करनी चाहिए? देखिए, आयुर्वेद जो है वो स्वस्थ की परिभाषा में ही ये बात बताई गई है कि जिस व्यक्ति की दोष धातु अग्नि मल मूल ये सब सारे बैलेंस्ड में रहें, और इतना ही नहीं उसकी आत्मा इंद्रिय और मन प्रसन्न हो, यानी मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों की बात आयुर्वेद करता है। यानी कि यदि आपको अस्वस्थ रहना है तो सबसे पहले आपको अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर तो ध्यान देना ही देना है, साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है। तो इसके लिए हमारे आयुर्वेद में दिनचर्या बताई गई है, आप प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त जागरण से लेकर के हमें समय पर जो है वो अपने व्यायाम और योग को नित्य अपने जीवन में उतारना, नियमित रूप से प्राणायाम का अभ्यास करना, श्वास प्रश्वास की क्रिया को नियंत्रित रूप से करना जिससे कि हमारे शरीर की कोशिकाओं को प्रॉपर ऑक्सीजन मिले और अल्टीमेटली रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी बढ़े। इसके अलावा दिन में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये सब बातें हमारे यहाँ बताई गई है, किस ऋतु में दिन में सोना है, किस ऋतु में दिन में नहीं सोना है, कितने बजे रात का खाना होना चाहिए। और बड़ी सबसे बड़ी बात बताऊँ आपको कि आज हमारे आयुष मंत्रालय ने भी जिस गर्म पानी को बार बार पीने की बात की है वो उष्णोदक के नाम से हमारे यहाँ 5000 साल पहले ही उसको मेंशन किया गया है कि बहुत सारे रोगों की चिकित्सा केवल गुनगुने पानी से पीने से हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ शास्त्रों में मेंशन है, हमें ज़रूरत इस बात की है कि हमें पुरानी चीज़ों पर दोबारा से आकर लौटने की ज़रूरत है। यदि हम पुरानी चीज़ों पर दोबारा वापस आएंगे तो निश्चित रूप से इस प्रकार के संक्रमणों से हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन संक्रमणों को हमको अब साथ लेके चलना होगा क्योंकि अब आने वाले समय में सरकार कुछ जो है वो लिबरेशन भी देगी और उस वक़्त हम खुद जिम्मेदार नागरिक की भांति हमें आयुर्वेद की दिनचर्या और आहार विहार, संयमित जीवन शैली, खान पान का पालन करते हुए हमें आगे अपने आप को कंटिन्यू रखना होगा। जी हाँ, जैसे कि अब हम लॉकडाउन 4 की तरफ बढ़ रहे हैं और पता है कि हमें अब धीरे धीरे अपने सामान्य जीवन की ओर लौटना भी है, मतलब हमें कोरोना के साथ जीने की आदत अब डालनी है। तो इस स्थिति में
जब हम अपने सामान्य जीवन में लौटने की कोशिश कर रहे हैं, तब हमें ऐसा कौन सा आहार विहार या खान पान है जो अपने रूटीन जीवन में शामिल करना चाहिए ताकि वो लंबे समय तक हमारे लिए फायदेमंद रहे? देखिए, आयुर्वेद जो है वो लघु और सुपाच्य आहार की बात करता है, जिसमें फल और विटामिन सी की बहुत बहुत महत्ता है इसमें। यदि आप आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में च्यवनप्राश या आंवले की रसायन, जैसे आंवला, जैसे विटामिन सी, जैसे बहुत सारे ऐसे तत्व जो हम दैनिक रूप से लेते हैं, इवन हमारे किचन में जो हम मसालों का प्रयोग करते हैं, यह बहुत ज़रूरी है। हमने हमारे किचन में हल्दी है, धनिया है, हींग है, सूखी अदरक है, ये बहुत मरीच है, काली मिर्च है, ये सभी चीज़ें हजारों साल से प्रयोग किए जाते रहे हैं मसाले के रूप में। और आज यही कारण है कि आप देखिए कि हमारे देश में हमारी हर्ड इम्यूनिटी, जिसको हम बोलते हैं, जो हम एक्वायर्ड करते हैं अपनी डाइट से, वो आज हमारी औरों की अपेक्षा बहुत अच्छी है। और ये कारण हमारे खान पान है, हमारा रहन सहन है, क्योंकि हमने उसको अभी भी छोड़ा नहीं है, हम उसको अपना के रखते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि जो चीज़ हम अपने हमारे वर्षों से जो हमारी संस्कृति में है उसको हम फॉलो करें, चाहे वो खान पान हो, चाहे वो रहन सहन हो। आपने देखा होगा कि आज पूरी दुनिया हाथ मिलाने से डरती है, आज वो नमस्कार करती है, प्रणाम करती है, दूरी बनाती है। तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ पहले से ही संस्कारों में थे। हमारे यहाँ किचन में बहुत सैनिटाइजेशन को फॉलो किया जाता था, रसोई घर में जूते के साथ, चप्पल के साथ प्रवेश करना पहले से ही वर्जित था। लेकिन आज हमने आधुनिक शैली को अपनाने के हिसाब से हमने बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया। आज हमारा खाने का समय निश्चित नहीं है, खाने की जगह निश्चित नहीं है, हाइजीन और ये सब चीज़ें, स्वच्छता, ये बहुत पहले से हमारे यहाँ शास्त्रों में मेंशन थी। बस ज़रूरत इस बात की है कि हमें उसका पालन करना है। जी हाँ, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि जैसे कोरोना का जो संक्रमण है वो तो पूरे विश्व में व्यापक है, लेकिन जितना पश्चिमी देशों पर इसका रौद्र रूप देखने को मिला है, इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी भारत को हम अभी कमोबेश बेहतर स्थिति में देख रहे हैं। तो इसके पीछे लगता है आपको कि हमारी जो पुरानी आयुर्वेद की पद्धति है, जो हमारे घर घर में रची बसी है, उसका एक बहुत बड़ा रोल है? जी बिल्कुल, इसको हर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। पूरी दुनिया इस बात को मान रही है कि जो हर्ड इम्यूनिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। और आज इसी पर आयुष मंत्रालय भी इस पर काम कर रहा है। आज आयुष मंत्रालय ने उन चार औषधियों का एक बड़ा क्लिनिकल ट्रायल प्लान किया है, जिसमें कि अश्वगंधा, गिलोय आप सब जानते होंगे कि गिलोय को कहते हैं कि अमृता है, अमृत तुल्य है। ऐसे ही जो है ये मुलेठी, और एक बहुत पुरानी दवा आयुष 64 थी, जिसको कभी मलेरिया के लिए इस्तेमाल किया जाता था, आयुर्वेदिक दवा थी। इन सभी चार दवाओं का एक बड़े सैंपल साइज़ में, 5 लाख के सैंपल साइज़ में क्लिनिकल ट्रायल किया जा रहा है। और ये बाद में इसको 50 लाख तक इस सैंपल सर्वे को ले जाने की बात हो रही है, जो इस बात को देखेगी कि क्या ये दवाएँ जो इस प्रकार के लोग जो कोरोना से संक्रमित हुए या फिर संक्रमण के टच में आए, उनकी इम्यूनिटी पे क्या प्रभाव करती है। और निश्चित रूप से आयुष मंत्रालय की इस पहल का एक सकारात्मक रिजल्ट आएगा, और कल को पूरी दुनिया मानेगी कि हाँ, ये दवाएं इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए वाकई कारगर थी। जी, जब बात आयुष मंत्रालय के इस टेस्टिंग की हो रही है डॉक्टर साहब, तो इसमें जैसे ये चार औषधियां तो हैं, इसके अलावा आयुर्वेद में कुछ ऐसी और हैं, हर्ब्स हैं जो हमारे आसपास हैं और जिनको हम अपने इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है? जी बहुत सरल है, तुलसी हम लोग बहुत सालों से लेते आ रहे हैं, हल्दी है, हल्दी पूरी दुनिया मानती है, हल्दी का पेटेंट कराने की बात अमेरिका ने बहुत पहले की थी। क्यूक्यूमिन इसमें मिलने वाला, ये एंटीमाइक्रोबियल और एंटीवायरल होता है, ये पूरी दुनिया जानती है इस बात को। आप और छोड़िए नीम की बात करिए, नीम जो है, नीम के पत्तों में एंटीवायरल प्रॉपर्टीज बहुत सालों से इस बात की पता है कि वो वायरस को हमारे अंदर रिप्लिकेट नहीं होने देता है। इसी प्रकार बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जिनमें सुंठी बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्राई जिंजर जिसको हम अदरक जो सुखा करके हम लेते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण इम्यूनो मॉड्यूलेटर, सॉल्ट जिसको बोलते हैं, भूख को भी बढ़ाती है। ऐसी काली मिर्च, ऐसे सैकड़ों उदाहरण, तेज पत्र आप देखिए, ऐसी कई ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे यहाँ मसालों में हैं, और ये सारी आज की तारीख में इन सब पर शोध हो रहा है, और ये बिल्कुल साबित हो रहा है केवल इम्यूनिटी ही नहीं बढ़ाती हैं, ये एक ऐसा शरीर में एक ऐसी प्रकार से वातावरण निर्माण करती है कि इस प्रकार के वायरस और बैक्टीरिया आपको इन्फेक्ट ही नहीं करने देते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुद्ध टंकण की बात हो रही है आज, जिसको हम आयुर्वेदिक औषधियों में प्रयोग करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें एक वंशलोचन की बात हो रही है। ऐसी बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ प्रिपरेशंस मौजूद हैं जिनमें षडंग पानीय की बात हो रही है, जिसमें मुस्तक है, नागर मोथा है, परपटक है, उशीर है, चंदन है। ये सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन आज इसका पूरा क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है, जो आयुर्वेद की चरक संहिता में
5000 साल पहले उल्लेखित था। तो बहुत सारे ऐसे आम्ल की रसायन है। च्यवनप्राश तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जिसे आयुष मंत्रालय ने अपने प्रोटोकॉल में डाला है कि आप सभी 5 से 10 ग्राम की मात्रा में च्यवनप्राश नियमित रूप से लें। तो ऐसे कई रसायन औषधियाँ हमारे यहाँ वर्णित हैं जिनका प्रयोग करके, हरड़, बहेड़ा और आंवला एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है जो मेंशन है कि ये त्रिफला के रूप में रसायन है। तो ऐसी तो सैकड़ों औषधियाँ हैं जिनका प्रयोग हमारे यहाँ लिखा हुआ है आयुर्वेद की संहिताओं में, बस ज़रूरत इस बात की है कि हम उसका प्रयोग करें चिकित्सक के परामर्श से। जी अच्छा डॉक्टर साहब, जहाँ ये बात हो रही है कि आयुष मंत्रालय द्वारा, तो कुछ और भी प्रयास हैं जो मंत्रालय द्वारा किए जा रहे हैं? बहुत प्रयास हैं। अभी जिस प्रकार से अभी आपने आरोग्य सेतु ऐप की बात सुनी होगी, वैसे ही हमारा आयुष मंत्रालय ने आयुष संजीवनी एक ऐप अभी लॉन्च किया है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में अपना नाम और अपना फ़ोन नंबर डाल के आप रजिस्टर करें, और इसमें आप जो भी दवाएं ले रहे हैं आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, उन सभी का आप डिटेल इसमें डालते हैं। ये आपको ट्रैक करता है और आपके अंदर वो किस प्रकार के लक्षण उत्पन्न हुए, इम्यूनिटी कितनी बढ़ी, कोरोना किस जुकाम खांसी या प्रतिक्षा जैसे लक्षण उत्पन्न हुए या नहीं हुए, इन सब में कितना लाभ हुआ, इसका एक पूरा डेटा आयुष मिनिस्ट्री जो है कलेक्ट कर रहा है। ये बहुत बड़ी पहल है जो आयुष मंत्रालय के द्वारा आयुष संजीवनी के नाम से जो ऐप लॉन्च किया है। तो मेरा आपके कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आप सभी एंड्रॉयड मोबाइल का यूज़ करते हैं, आप आयुष मंत्रालय भारत सरकार की इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। जी अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी बात हुई जैसे महामारी है, तो आयुर्वेद हमारी इतनी पुरानी चिकित्सा पद्धति है, तो महामारी को लेकर के आयुर्वेद में कोई वर्णन मिलता है और उससे कैसे डील किया जाए, इसका आयुर्वेद में कोई प्रमाण मिलता है? जी आयुर्वेद में 5000 साल पहले इस बात का वर्णन है कि जब देश, क्षेत्र, काल और जल दूषित हो जाएंगे तो इस प्रकार की व्याधियां हमेशा आएगी, और आज यही परिस्थितियां बन रही है। जनपदोध्वंस की बात की गई है कि पूरा का पूरा जनपद नष्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब यह है कि इस प्रकार की महामारियां हजारों साल पहले भी आती थी, जो नाम उसका कुछ और होता था, और पूरी तरह से हम लोग संक्रमित होते रहे हैं, और कई बार तो पूरी की पूरी एरिया, पूरा का पूरा क्षेत्र, पूरा का पूरा देश तबाह हो जाता था। तो उसके लिए महर्षि ने कहा है कि आप जल, देश और काल, यानी कि जल यानी पानी, हमें अपने पर्यावरण के साथ भी बहुत ज़्यादा सामंजस्य बनाने की ज़रूरत है। आपने देखा होगा कि इस वक्त लॉकडाउन में आज पर्यावरण बहुत साफ हुआ है, आज विभिन्न प्रकार की पक्षियां जो हैं जो कभी दिखते नहीं थी वो दिख रहे हैं, आज जो है वो मृग जो है आज सड़कों पर आ रहे हैं। तो ये क्या प्रूफ करता है? ये प्रूफ करता है कि वायु, जल, देश और काल, जी इसका इसका इसको बिल्कुल इसका प्रदूषण रोकना बहुत ज़रूरी है। अगर ये हम नहीं रोकेंगे, ये हमें एक प्रकार से एक सबक दे रहा है, तो जनपदोध्वंस नाम के रूप में हमारे यहाँ जो आयुर्वेद में वर्णित है, वो इस प्रकार की व्याधियाँ जनपद का ध्वंस करने के लिए समय समय पर आती रहेंगी। जी डॉक्टर साहब, जब बात निकली तो एक बार जब अभी आप जैसे आपने जिक्र किया कि आयुष मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रोटोकॉल है, तो जरा उस गाइडलाइन के बारे में भी। जी आयुष मंत्रालय ने कुछ नहीं, आपको सिंपली जो दवाइयां मैंने बताई इन दवाओं को प्रयोग करें, आप इनका जो हम डिकॉक्शन बना के काढ़ा ले सकते हैं, जिनमें आप रोज इसको चाय के रूप में ले सकते हैं, आप काली मिर्च है, अदरक है, आप थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए उसमें, तुलसी डाल दीजिए, इनकी आप इन काढ़े की आप चाय पी सकते हैं। गोल्डन मिल्क की बात की है आयुष मंत्रालय, आप देखिए हमारे यहाँ सदियों से रात में दूध में हल्दी मिला के पीने का विधान रहा है, उसी का नाम आज गोल्डन मिल्क दिया है। आप दूध, एक गिलास दूध में एक चम्मच हल्दी डाल दीजिए और उसको आप रात को लीजिए। इसके अलावा आयुष मंत्रालय ने बहुत साधारण से आप उपाय बताया कि आप जो है नियमित रूप से यदि आपको जुकाम और इस तरह कोई लक्षण है, तो आप नाक के चारों तरफ प्रतिमर्श नस्य की बात की गई है, उसमें कुछ नहीं, नारियल का तेल या घी आप सीधे नाक के चारों तरफ लगाएं, जिससे एक लेयर बन जाती है और इस प्रकार के संक्रमण नहीं जा सक जाते हैं अंदर। इसी प्रकार च्यवनप्राश की बात की गई है, जो आप तमाम लोग सभी परिचित हैं इससे, कि इसका आंवला मुख्य घटक द्रव्य है जिसमें विटामिन सी होता है, और च्यवनप्राश में आंवला एक ऐसा तत्व है जो बॉयल करने पर या जलाने पर भी नष्ट नहीं होता, उसमें स्थित विटामिन सी, तो ये हजारों साल से प्रयोग होता है। आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन में भी इन्हीं चीज़ों का उल्लेख किया गया है, जो बिल्कुल सामान्य गर्म पानी को लगातार पीने की बात की गई है। और यदि आपको कोई इस प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं, यदि कभी जुकाम, खांसी, बुखार या फिर चेस्ट में इन्फेक्शन जैसे लक्षण होते हैं, तो इसमें साफ साफ कहा गया है कि आप अपने नज़दीक के अस्पताल, चिकित्सक, सरकारी अस्पताल से आप ज़रूर सूचना दें, छिपाएं ना, ये बिल्कुल क्योर होने वाली डिजीज़ है। अधिकांश लोग जो इससे संक्रमित हुए हैं वो ठीक हुए हैं, मृत्यु दर बहुत कम है इसकी। हाँ ये बात ध्यान रखें कि संक्रमण की दर बहुत तेज है। जैसे संक्रमण की दर बहुत तेज है, तो कुछ जैसे आयुर्वेद में इस तरह के जो पहले वायरल संक्रमण और भी जो रहे थे,
उनके ट्रीटमेंट और इसके ट्रीटमेंट के लिए, तो इसमें कुछ है दवाई? जी, महर्षि सुश्रुत ने सबसे पहले 5000 साल पहले कहा कि प्रसंगात गात संस्पर्शनात श्वासात सह भोजनात, यानी कि अगर आप जो है अगर आप लोगों के नज़दीक जाते हैं, करीब जाते हैं, उनके वस्त्र, उनके माला, उनके जो है आप उनकी चीज़ों को शेयर करते हैं, उनके साथ आप डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते, जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात आज की जा रही है वो 5000 साल पहले महर्षि सुश्रुत ने प्रसंगात गात संस्पर्शनात श्वासात सह भोजनात, श्वासात का अर्थ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, यदि कोई व्यक्ति खांस रहा है, छींक रहा है, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो उसे हम दूरी बनाएं। और आज मास्क और सैनिटाइजेशन की बात की जा रही है, महर्षि सुश्रुत ने 5000 साल पहले वर्णन किया था। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। जैसा आपने पूछा इसका इलाज, तो इसका इलाज तो अब एलोपैथ या मॉडर्न साइंस के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है, उस पर हम अभी कोई भी दावा नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं। मेरे पूछने का मतलब ये था कि वायरल संक्रमण में ऐसी आयुर्वेद की कौन सी दवाएं हैं? वायरल संक्रमणों में नहीं, बल्कि इसका इलाज भी निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में आयुर्वेद की दवाओं से हो सकता है, चूंकि अभी वो क्लिनिकली वैलिडेट नहीं है। लेकिन नीम है, गिलोय है, हरड़ है, आंवला है, ये कुछ ऐसी दवाएं हैं जो निश्चित रूप से हमारे शरीर में ऐसी स्थिति पैदा करती है जिससे वायरल संक्रमण रुक जाता है। जी डॉक्टर साहब, एक जो बात ये है कि जैसे हल्दी वाले दूध की बात की गई है, तो इसका आखिर क्या रोल है? देखिए, हल्दी जो है वो क्यूर्क्यूमिन होता है, इसमें एक रासायनिक तत्व। क्यूर्क्यूमिन जो है वो हम आज मॉडर्न रिसर्च में भी, शोध से भी ये साबित हो चुका है कि क्यूर्क्यूमिन जो होता है वो एंटी माइक्रोबियल यानी बैक्टीरिया रोधी प्रभाव दर्शाता है, साथ साथ वायरल रोधी प्रभाव भी दर्शाता है। तो हम हल्दी, देखिए आप, हम अपने हमारे यहाँ दालें बनती है, हमारे यहाँ सब्जी बनती है, हल्दी हम लगातार लेते हैं, तो ये तो हमारे 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 भोजन की परंपरा में ही हल्दी को शामिल किया गया है। और हल्दी वाला दूध यदि हम लेते हैं तो दूध वैसे भी बैलेंस डाइट माना जाता है, और उसमें हमने हल्दी मिला दिया तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ साथ हमारे शरीर में जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो भी पूरे होते हैं। इस प्रकार हल्दी जो है बहुत बढ़िया, इस वक्त गोल्डन मिल्क आप ज़रूर लें, घरों में आप नित्य रूप से इसका सेवन करें, ये बहुत लाभ देगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी ये लॉकडाउन के इतना लंबा समय हो चुका है और लोग घरों में बंद हैं, तो स्वाभाविक है कि मानसिक रूप से भी थोड़े परेशान होंगे। तो जैसे हमारे योग हैं, हमारे जो आसन हैं, जो हमारे प्राणायाम हैं, इनका कितना पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है इस तरह के मानसिक, जो मतलब एक तरह से डिप्रेशन जैसी जो चीज़ें हैं उससे डील करने में? जी देखिए, मानसिक रूप से ही अगर हम बार बार इस बात के लिए डरेंगे कि हम जो है बाहर जाएंगे तो कोरोना से पीड़ित तो नहीं हो जाएंगे, हम बार बार संक्रमित तो नहीं हो जाएंगे, अगर इस प्रकार की बातें हमारे बार बार मस्तिष्क में आएंगी तो हम एक प्रकार से अवसाद से ग्रसित हो जाएंगे और बार बार हम नेगेटिव थॉट्स की तरफ जाएंगे। तो बेहतर है कि हम इस बात को सोचें कि हमने सावधानी बरतनी है, हमें सभी चीज़ें जो भारत सरकार ने या फिर हमारा स्वास्थ्य विभाग जिन गाइडलाइंस को हमें बता रहा है उन गाइडलाइंस को फॉलो करना है। और सबसे बड़ी बात जो है, हमें सोशल गैदरिंग से बचना है, हमें सैनिटाइजेशन को फॉलो करना है, हमें जो भी चीज़ें हम बाहर जाते हैं तो हमें मास्क पहनना है, ये सब चीज़ें हमें अब अपने जीवन में हमें इसको उतारना ही पड़ेगा, इसको फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोरोना एक सच्चाई है। और बहुत दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है जिस पे मैं चर्चा करना चाहूँगा कि आज हमारे राज्य में प्रवासी लोग आ रहे हैं, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, तो प्रवासी लोगों से हमें बीमारी से लड़ना है, हमें बीमार या फिर हमें उसको किसी इस प्रकार के सोशल स्टिग्मा से नहीं देखना है कि ये व्यक्ति बाहर से आया है तो ये संक्रमित ही होगा। ज़रूरत उस बात की भी है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो अपने आप को क्वारंटाइन को फॉलो करें। मैं खुद 15 दिनों से विधौली एक जगह है वहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर में हूँ, जहाँ पे इससे पहले गुजरात के कुछ लोग जो आए थे उनको वहाँ क्वारंटाइन किया गया था। तो गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट, सरकार स्ट्रिक्ट रूप से इसको फॉलो करा रही है, लेकिन एक स्तर पर जब अब प्रवासी लोग बाहर आ रहे हैं, अपने अपने गाँवों में जा रहे हैं, तो अब सरकार ने उनसे अनुरोध किया है कि आप अपने घरों में आपको क्वारंटाइन करें, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको फॉलो करें, क्योंकि हमारे यहाँ पहाड़ों में अभी तक ये बीमारी नहीं है। यदि कोई भी व्यक्ति संक्रमित है और वो गांव में जाता है और क्वारंटीन को फॉलो नहीं करता है, तो उससे संभावना इस बात की बनती है कि गांव में जो पहाड़ के लोग हैं जो अब तक स्वस्थ थे उन पे ये संक्रमण फैल सकता है। तो दो बातों पे काम करने की ज़रूरत है, हमें बीमार व्यक्ति से बिल्कुल सिंपैथी रखने की ज़रूरत है। कोरोना एक ऐसा संक्रमण नहीं है जिससे आप किसी प्रकार का स्टिग्मा करार दें, लेकिन उस व्यक्ति की भी जिम्मेदारी बनती है, अगर सरकार ने कहा है कि आप क्वारंटीन अपने घरों पर करें तो आपको उसको फॉलो करना है।
जी हाँ, मतलब सामाजिक भ्रांतियों में ना पड़ें और सोशल स्टिग्मा ना अपनाएं, और साथ ही लेकिन हर नागरिक की अपनी एक जिम्मेदारी है कि इससे बचाव हमने खुद का भी करना है और अपने समाज के आसपास के लोगों का भी करना है। बात हम डिप्रेशन की कर रहे थे कि लॉकडाउन से जैसे डिप्रेशन वगैरह हैं इनमें, तो ऐसे कौन कौन से आसन और प्राणायाम हो सकते हैं जिसको लोग घरों के अंदर फॉलो कर सकते हैं? जी, इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपने सुबह आप उठिए और आप खाली पेट जो है गुनगुना पानी पीजिए, अपने दैनिक के नित्य कर्म से निवृत्त हो जाइए, और दैनिक नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद आप कुछ नहीं, आप थोड़ा सा आप प्राणायाम करिए। प्राणायाम में अनुलोम विलोम और कपालभाति, ये बहुत अनुलोम विलोम तो आप कर ही सकते हैं, बहुत सरल है, आप सब जानते हैं। बाईं नासिका से आप सांस लें, दाईं से छोड़ें, फिर दाईं से लें, फिर बाएं से छोड़ें, ये सरल है, सब जानते हैं इसको। ऐसे ही आप जो है कुछ ना कर सकें तो श्वास प्रश्वास क्रिया पर ही अपनी ध्यान केंद्रित करें, अपने आप को शांत और संयमित रखें। इसके बाद आप कुछ आसन कर सकते हैं, जिनमें एक बहुत सामान्य आसन है सूर्य नमस्कार जिसको कहते हैं। सूर्योदय के समय आप सूर्य नमस्कार के 12 आसनों का प्रयोग करें नियमित रूप से, आपका शरीर भी सही रहेगा और आपका मन भी तंदुरुस्त रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें आप हम फॉलो कर सकते हैं जो नियमित रूप से हमें कोरोना जैसे संक्रमण से बचने में और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है। अब जैसे अभी इस कोविड काल में हम बच्चों और बुजुर्गों, इनका खास ध्यान रखने को कहा जा रहा है, तो इनका खास ध्यान रखने के लिए बुजुर्ग और बच्चों को कैसी दिनचर्या हम दे सकते हैं और उनके खान पान का हमने कैसा ध्यान रखना चाहिए? देखिए, बच्चे और बुजुर्ग ये दोनों ही बहुत ही इनको सावधानी से डील करने की ज़रूरत होती है। बच्चों में इम्यूनिटी डेवलप होती रहती है और बुजुर्गों में इम्यूनिटी का क्षरण होता है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो बच्चों का विशेष रूप से केयर ये करने की ज़रूरत है कि बच्चों को हम प्रॉपर डाइट दें और उनको सैनिटाइजेशन का प्रॉपर ख्याल रखें। यदि आप और हम कोई बाहर जाते हैं घर से, तो आते ही हम बच्चों के गले ना मिलें जब तक इस प्रकार का संक्रमण अभी हमको लगता है, थोड़ा सा उनसे डिस्टेंसिंग रखें। आने के बाद आप अच्छी तरह से साबुन से नहाएं, साबुन से अपना 20 सेकंड तक हाथ धोएं, प्रॉपर सैनिटाइजेशन करें, तब जाकर के आप अपने परिवार में अपने बच्चों और बुजुर्गों से आप मिलें। यदि आप रेगुलर बाहर जा रहे हैं तो बुजुर्गों से भी हमें यही ख्याल रखने की ज़रूरत है, खासकर उन बुजुर्गों से जो उच्च रक्तचाप से या शुगर जैसी बीमारी से पीड़ित हैं। विशेष रूप से उनकी दवाओं का ख्याल रखा जाए, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, क्योंकि इस प्रकार के वायरल संक्रमण रोग प्रतिरोधक क्षमता जिनकी कमज़ोर होती है, जिसको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कहते हैं, उन पर ज़्यादा असर करती है, जिसमें बुजुर्ग आते हैं जो डायबिटिक हों या हाइपरटेंसिव हों या किसी अन्य प्रकार की बीमारी, कैंसर जैसी बीमारियों से जूझ रहे हों, तो उन्हें विशेष रूप से उनका ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो जैसे ये जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स होते हैं या बुजुर्ग हैं जो हमारे, उनके लिए हम आयुर्वेद में ऐसी क्या प्रिपरेशंस हैं जो हम घरेलू स्तर पर जो हम उनको दे सकते हैं? उनके लिए हम अश्वगंधा है, गिलोय है, ऐसे ही आप जो है वो हल्दी है, हल्दी के प्रिपरेशंस हैं, ये शतावरी है, शतावरी का दे सकते हैं, ऐसे सफ़ेद मूसली आती है, इनका प्रिपरेशन हम देख सकते हैं। च्यवनप्राश है, ये हम बुजुर्गों को दे सकते हैं, अगर डायबिटिक है तो शुगर फ्री च्यवनप्राश दे सकते हैं हम। और भी बहुत सारे ऐसी प्रिपरेशंस हैं, हमारे यहाँ एक ब्राह्म रसायन के नाम से एक रसायन आता है जिसका प्रयोग हम करा सकते हैं बुजुर्गों में। और बच्चों के लिए आप कुछ नहीं तो आप गिलोय की छोटी सी गिलोय सत्व दे सकते हैं आप। इसी प्रकार बच्चों में सीतोपिलादि चूर्ण का प्रयोग हम करा सकते हैं जो गले में भी बहुत अच्छा काम करता है। बच्चों में रेगुलर हम तौर पर कुछ नहीं तो सरसों के तेल का नस्य दे सकते हैं, बहुत ही हमने पुराने समय से ही हम प्रयोग करते आ रहे थे। समय पर उनका अभ्यंग करना चाहिए, मालिश करनी चाहिए, ये सब चीज़ें बच्चों में हम फॉलो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अगर कुछ चीज़ों का ख्याल रखें तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम जिससे हम बच नहीं सकते हैं। बिल्कुल, मीन्स कमोबेश हमारी जो ये चर्चा है उसका सार यही है कि जितना हम सतर्क रहेंगे, जितना हम इसके बचाव के उपाय अपनाएंगे, उतना हम इस बीमारी से अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जी डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी अच्छी चर्चा में हमारे साथ भाग लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार। पांच जोन बनाने के पीछे का मकसद यही है कि अलग अलग हिस्सों में बांटकर रखा जाए अलग अलग एरियाज को, और जहां पर हालात